दोस्तों हम लोग अरुणाचल प्रदेश में जीरो में ड्री फेस्टिवल देखने के लिए आए हुए हैं और यहाँ पर भारी भीड़ है। लोग आ जा रहे हैं, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, आप ये देख सकते हैं, ये ट्री फेस्टिवल का प्रीमिसेस है जहाँ पे हम लोग जा रहे हैं। और कितना ज़्यादा भीड़ लगी हुई है, कितना कलरफुल दिख रहा है सब कुछ, लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। दोस्तों ये सेंट्रल जो ट्री फेस्टिवल है अरुणाचल प्रदेश का, हम लोग वहाँ पहुँच गए हैं अंदर प्रीमिसेस में और यहाँ पर काफ़ी भीड़ लगी हुई है। लोग बैठे हुए हैं चारों तरफ, आप देख सकते हैं मेरे पीछे, हर तरफ यहाँ पर लगभग भीड़ लगी हुई है। ये पीछे का प्रीमिसेस है जो सेंट्रल प्लेस है यहाँ की, जहाँ पर सारे प्रोग्राम्स हो रहे हैं। पीछे वहाँ पर स्टेज लगा हुआ है, आप देख सकते हैं, उसके आगे यहाँ के जो गेस्ट आए हुए हैं वो सब बैठे हुए हैं। तो काफ़ी कलरफुल फेस्टिवल होता है ये। तो दोस्तों पहले मैं आपको यहाँ के कुछ कल्चरल प्रोग्राम्स दिखाता हूँ और ये कैसे मनाया जाता है, फिर आगे बढ़ते हैं। तो इस ग्राउंड में बहुत सारी महिलाएं और लड़कियां कम्युनिटी डांस कर रही हैं। आप देख सकते हैं कि एक लार्ज गैदरिंग है यहाँ पर। इन सभी लोगों ने सफ़ेद रंग की कमीज़ या कुर्ता और लाल रंग की गाले पहनी हुई है जो कि बहुत ही सुंदर लग रही है। एक्चुअली ये अपातानी ट्राइब का फेस्टिवल है और ये अपातानी ट्राइब का एक तरीके से कल्चरल ड्रेस है। अपातानी ट्राइब के सारे लोग इकट्ठा होकर के कल्चरल प्रोग्राम में इन्वॉल्व सभी लोगों का उत्साहवर्धन कर रहे हैं। आप देख सकते हैं हमारी टीम के भी सारे लोग यहाँ पर हैं और सब लोग उत्साहवर्धन कर रहे हैं, देख रहे हैं और इस पूरे फेस्टिवल को सेलिब्रेट कर रहे हैं अपातानी लोगों के साथ में। Celebrated what are our attires and invoking all the citizens of Apatani to participate and even from outsiders and greeting. यहाँ पर हमारी टीम के लोगों ने भी कहा कि हमें वहीं पोज देनी है जहाँ 55th सेंट्रल ट्री फेस्टिवल लिखा हुआ है और इस तरीके से पोज का सिलसिला चलता रहा और इसी बीच एक नागा डांस भी शुरू हो गया है। यह डांस एक वार डांस है ऐसा हमें बताया गया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर नागा ट्राइब्स डांस कर रहे हैं। हमें छानबीन के बाद ये समझ में आया कि हालांकि ये अपातानी ट्राइब का फेस्टिवल है लेकिन अलग अलग जगहों से भी सारी ट्राइब्स इकट्ठा होती हैं और डांस परफॉर्मेंस देती हैं। खैर हमने इस डांस को देखा, हमें अच्छा लगा, हमें एक सांस्कृतिक बोध हुआ और इसके बाद फिर हम लोगों ने भी पोज देना शुरू कर दिया। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये मेरा मासूम सा चेहरा है और यहाँ पर लिखा हुआ है 55th सेंट्रल ट्री फेस्टिवल और उसके पीछे बम्पर भीड़। शायद कुछ बम्पर लकी ड्रॉ भी होता तो हम लोग ज़रूर निकलवाते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। दोस्तों जो एक चीज़ मैंने यहाँ नोटिस की वो ये कि यहाँ अलग अलग कलर के झंडे लगे हुए हैं और जिसपे CDFC लिखा हुआ है। मुझे आखिरकार समझ में नहीं आया इसका क्या मतलब होता है। अगले वीडियो में मैं ज़रूर इसको बताने की कोशिश करूँगा कि इसका वास्तविक अर्थ क्या होता है। और इसके साथ ही अभी तक आप देख सकते हैं मेरे पीछे नागामीज डांस चल रहा है। दोस्तों यह डांस काफ़ी देर तक चला और धीरे धीरे जब यह डांस ख़त्म हुआ तो हम लोगों का मन हुआ कि क्यों ना नागा डांस करने वाले लोगों से मिला जाए और हम उनसे मिलने पहुंचे और हमने बहुत सारी फ़ोटोज़ खिंचवाई और वीडियोस बनवाए, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। हमारे उत्साह को देख करके हमारे वनवासी भाई बहुत खुश हुए और उन्होंने बहुत प्रसन्नता के साथ अपने पारंपरिक परिधान में हमारे साथ फ़ोटोज़ खिंचवाई। यहाँ पर आप हमारे वनवासी भाई के साथ मुझे भी देख सकते हैं।
नागा भारत के नागालैंड राज्य की एक वॉरियर क्लास ट्राइब है। इस तरह हमने अपने वनवासी भाइयों के साथ हंसी खुशी इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया और हमें काफ़ी अच्छा लगा कि हम ऐसी जगह पर पहुंचे जो अपने आप में विशेष है। दोस्तों, अभी हम लोगों ने ये नागा डांस देखा और इस डांस को देखने के बाद यहाँ पूरी टीम है और हम लोग अब निकल रहे हैं। काफ़ी अच्छा रहा हम लोगों का ये फेस्टिवल देखना, काफ़ी मज़ा आया। दोस्तों, हमने ड्री फेस्टिवल लगभग एक घंटे एंजॉय किया, देखा और उसके बाद हम लोग निकल रहे हैं। टक्कर हमारे साथ है, टक्कर ने हमको जो है वो पूरा गाइड किया। तो टक्कर, कैसा लगा यहाँ पर आकर के? यहाँ आकर अच्छा लग रहा है। अच्छा, आप तो काफ़ी दिन से देख रहे होंगे इस फेस्टिवल को। हाँ, अपना ही फेस्टिवल है। हाँ, तो यहाँ अच्छा लग रहा है। अच्छा, आके वापस तो वापस आकर के टक्कर का ये होम टाउन भी है तो उनको काफ़ी अच्छा लग रहा है। काफ़ी टाइम बाद हम लोग पहली बार आए तो हमें तो अच्छा लगना ही था, बहुत मज़ा आया। थैंक यू सो मच टक्कर। वेलकम सर। दोस्तों, अब हम लोग निकल रहे हैं लेकिन हमारी जर्नी यही नहीं ख़त्म हुई। हम एक और जगह गए इस ड्री फेस्टिवल को एंजॉय करने के लिए। वहां हमने एक अपातानी बहन के घर पर भोजन भी किया और उनकी खुशियों में शरीक हुए। तो दोस्तों, मुझे तो बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा। आपको मेरा यह वीडियो कैसा लगा? अगर पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ड्री फेस्टिवल पर कुछ नई चीज़ों के साथ, नए वीडियो में।